कटिहार में क्वारंटाइन सेंटर से लगातार बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही है। वहां रह रहकर लोग वीडियो बनाकर प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर कटिहार के कोढ़ा से सामने आई है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने एक वीडियो के जरिए दिखाया कि क्वारंटाइन सेंटर में पीने का पानी कैसा मिल रहा है। यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, गेट बंद है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मुखिया सब बिस्तर उस्तर सब भेज गया हम लोग के पास, सब चीज भेजा हुआ है, हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। थोड़े से वीडियो बनाओ जा। वहीं दूसरी तस्वीर मनिया क्वारंटाइन सेंटर की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ उड़ती दिख रही हैं। यहां लोग एक साथ दरी में सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो तो किसी दूसरे को आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इस मामले में नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद भी व्यवस्था में कमी की बात कर रहे हैं। यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ अधिकारियों की कमी और कुछ अन्य कारणों से जो क्वारंटाइन सेंटर है, जहां बुनियादी सुविधाएं उस सेंटर में रहने वाले हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाई, जो विभिन्न अखबारों के द्वारा और आप सबों के माध्यम से भी आया है। जिला पदाधिकारी जी से भी कल ही हमारी बात हुई, उन कठिनाइयों को हमने बताया है और जिला प्रशासन काफ़ी तत्परता से जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है और स्थिति पहले से बेहतर है। वहीं आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग आंसू बहाना छोड़कर जो भी अधिकारी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करें, तभी जाकर व्यवस्था कुछ हद तक सुधर सकती है। करके लोग अब गुहार लगा रहे हैं, सचेतक भी बोल रहा है स्थिति विस्फोट। देखिए स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, बहुत बदतर हो चुकी है। लोग जो बाहर से आए थे, ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर में ही रह के मर जाता वो अच्छा होता। आज खाने के पैसा, दो दो दिन तक लोग खाना नहीं खा पा रहे। ऋषि भवन में तो लोग तोड़ के भाग गया, भूख से दीवार गिरा के भाग जाएगा। जो स्थिति है कोढ़ा की ही घटना नहीं, अहमदाबाद में ले लीजिए, मनियारी में ले लीजिए, हर ब्लॉक में जो क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था किया जाए, क्वारंटाइन सेंटर हुआ, वहां की स्थिति बदतर है। और ये मुख्य सचेतक अगर बोलते हैं कि हमारे लिए चिंता के विषय है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जब सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक ये बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? और प्रभारी मंत्री कहां है कटिहार जिला का? आज तक तो जायजा नहीं लिया कटिहार में किस तरह व्यवस्था चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की, कोई देखने वाला नहीं है। लूट हो रहा है, पूरी तरह लूट लिया लोग, सरकार घोषणा करती लूट रहा है लोग पैसा को। आपको बता दें कि इससे पहले कटिहार के ऋषि भवन में क्वारंटाइन सेंटर से 10 मजदूर ताला तोड़कर भाग गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन की सक्रियता से उन लोगों को पकड़कर फिर से क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट।